सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और इसलिए ये स्वार्थ भाव को स्वास्थ्य भाव तक फिर से वापस ले जाने का एक सामूहिक प्रयास आवश्यक हो गया है। साथियों, मैं जानता हूं कि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे फिटनेस जरूरी है, ये तो हमें भी पता है, फिर अचानक इस तरह की मूवमेंट की जरूरत क्या है। साथियों, जरूरत है और आज शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। फिटनेस हमारे जीवन के तौर तरीकों, हमारे रहन सहन का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ फिटनेस को लेकर हमारे समाज जीवन में, हमारी सोसाइटी में एक उदासीनता आ गई। समय कैसे बदला है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। कुछ दशक तक पहले तक एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में 8-10 किलोमीटर पैदल चल लेता था, कुछ एक आध घंटे भर साइकिल चला लेता था, कभी बस पकड़ने के लिए भागता था। यानी जीवन में शारीरिक गतिविधि सहज हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, आधुनिक साधन आए और व्यक्ति का पैदल चलना कम हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और अब स्थिति क्या है, टेक्नोलॉजी ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम चलते कम है और वही टेक्नोलॉजी हमें गिन गिन के बताती है कि आज आप इतने स्टेप्स चले, अभी 5,000 स्टेप नहीं हुए, 2,000 स्टेप नहीं हुए। और हम मोबाइल पर देखते रहते हैं। यहां मौजूद आप में से कितने लोग ये 5,000-10,000 स्टेप्स वाला काम करते हैं? कई लोग होंगे जिन्होंने इस प्रकार की वॉच पहनी होगी या मोबाइल फोन पर ऐप डाल के रखी होगी, मोबाइल पर चेक करते रहते हैं कि आज कितने स्टेप्स हुए। साथियों, आप में से बहुत से लोग सजग है, सतर्क है, लेकिन देश में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी डेली लाइफ में इतना मशगूल है कि अपनी फिटनेस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इनमें से कुछ लोग तो और भी विशेष हैं। और मैं, आपने देखा होगा कुछ चीजें फैशन स्टेटमेंट हो जाती है, और इसलिए फिटनेस की जरा बात करना दोस्तों। मैं भोजन के टेबल पर बैठ दोष में आकर बातें भी करते हैं और इससे जुड़े गैजेट खरीदते रहते हैं, और उनको ध्यान में रहता है अच्छा कोई नया गैजेट होगा शायद मेरा फिटनेस ठीक हो जाएगा। और आपने देखा होगा घर में तो बहुत बड़ा जिम होगा, फिटनेस के लिए सब कुछ होगा, लेकिन उसकी सफाई के लिए भी नौकर रखना पड़ता है क्योंकि कभी जाते नहीं है। और कुछ दिन बाद वो सामान घर के सबसे किनारे वाले कमरे में रख दिया जाता है। ये लोग मोबाइल पर फिटनेस वाले ऐप भी डाउनलोड करने और सबसे आगे होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उस ऐप को कभी देखते भी नहीं है। यानी ढाक के तीन पात। मेरा जन्म गुजरात में हुआ, हमारे यहां गुजरात में एक ज्योतिंद्र भाई दवे करके बहुत ही उत्तम प्रकार के हास्य लेखक थे, व्यंग लिखते थे और बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते थे। और
ज्यादातर वो अपने खुद पर व्यंग करते थे। अच्छा, उनका शरीर का वो वर्णन करते थे, वो कहते थे मैं कहीं खड़ा रहता हूँ, दीवार के पास खड़ा हूँ तो लोगों को लगता था कि हैंगर पर कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। यानी वो इतने दुबले थे कि ऐसा लगता था कि जैसे हैंगर पर कपड़े टंगे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि मैं कोई इंसान वहाँ खड़ा हूँ। फिर वो लिखते थे कि मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे जेब में पत्थर भर के चलता हूँ। वो कोट पहनते थे, सभी जेब के अंदर पत्थर भरते, तो लोग मुझे मानते थे शायद मैं हिंसा कर बैठूंगा, मार दूंगा। तो लोग मुझे पूछते हैं मैं पत्थर लेके क्यों चलते हो इतने सारे, तो उन्होंने कहा मुझे डर लगता है कहीं हवा आए उड़ ना जाऊं, तो इसलिए जरा बेट बड़ा निकलिए। ऐसी बड़ी मजेदार चीजें लिखते थे वो। एक बार किसी ने उनको कहा कि पत्थर पत्थर लेकर के घूमने के बजाय आप थोड़ा जरा व्यायाम करते रहिए, व्यायामशाला में जाइए। तो उन्होंने उस सज्जन को पूछा कि कितना व्यायाम करना चाहिए। बोले बस पसीना हो जाए इतना तो शुरू करो, पहले व्यायामशाला में जाओ और पसीना हो जाए उतना करिए। तो बोले ठीक है कल से जाऊंगा। तो दूसरे दिन बोले मैं व्यायामशाला पहुंच गया और ये हमारे जो कुश्तीबाज होते हैं वो लोग अखाड़े में अपनी कुश्ती कर रहे थे। बोले जाकर के मैं देखने लगा और देखते ही मेरा पसीना छूट गया, तो मुझे लगा मेरी एक्सरसाइज हो गई। यानी ये बात हंसी की जरूर है, मजाक अपनी जगह है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ चिंताएं इससे भी बड़ी है। आज भारत में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी अनेक लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ती जा रही है। कभी कभी तो सुनते हैं परिवार में 12-15 साल का बच्चा डायबिटिक पेशेंट हो गया है। अपने आसपास देखिए तो आपको अनेक लोग इनसे पीड़ित मिल जाएंगे। पहले हम सुनते थे कि 50-60 की उम्र के बाद हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन आज कभी कभी खबर आती है 30 साल 35 साल 40 साल का नौजवान बेटा बेटी चले गए, हार्ट अटैक आ रहा है। यह स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है, लेकिन इन सारी स्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण भी है। अब आप सोचेंगे कि इन बीमारियों के बीच में उम्मीद की किरण की बात कैसे कह रहा हूं। मैं स्वभाव से बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग करने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे उसमें से भी कुछ अच्छी चीजें मैं ढूंढ के निकालता हूं। साथियों, लाइफस्टाइल डिसीज हो रही है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को हम लाइफस्टाइल बदल के उसमें बदलाव करके उसको ठीक भी कर सकते हैं। तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके उससे हम बच सकते हैं, उसको दूर रख सकते हैं। इन बदलावों के लिए देश को प्रेरित करने का नाम ही फिट इंडिया मूवमेंट है, और ये कोई सरकारी मूवमेंट नहीं है। सरकार